तो देखिए साथियों, आज की सुबह बहुत बढ़िया सुबह हो रही है। ये देखिए ट्रैफिक बहुत बढ़िया चल रहा है रोड पे, आज कोई जाम नहीं लगा हुआ, वरना सुबह सुबह ही जाम लग जाता है कभी कभी। तो ये देखिए मौसम बहुत बढ़िया है, ओस है, कोहरा छाया हुआ है, क्योंकि सर्दी है तो थोड़ा थोड़ा कोहरा छाने लगा है। लेकिन लोग भी देखो पार्क से वॉक से लौट रहे हैं, और ये देखो अब मैं भी पार्क में जा रहा हूँ। ये देखिए सब काम करने वाले भी आ चुके हैं। ये देखिए ये रेड़ियाँ सज चुकी हैं फलों की, और सब सज रही हैं। साथियों बहुत ठंड है, मैंने भी कैप लगा ली है और आपको दिखाया दिन कैसा चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो साथियों स्वागत करता हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में। तो अभी पार्क में जा रहा हूँ और देखता हूँ वहाँ पे कितनी ठंड है, और वहाँ की दिखाता हूँ आपको भी वहाँ की एक्टिविटी क्या हो रही है। तो चलते हैं अंदर। तो साथियों ये है अंदर का माहौल, थोड़ी ओस पड़ी हुई है, आपको दिख भी रही होगी मेरे पीछे, और पेड़ों के बीच में आके तो वाकई बहुत ठंड लग रही है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है मैंने तो अपने आप को पूरा कवर कर लिया है। तो देखिए वैसे ज़्यादा कोहरा नहीं है, थोड़ी देर में मौसम साफ़ हो जाएगा, धूप निकल रही है, बढ़िया धूप निकल रही है, और आधे घंटे के अंदर मौसम बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। लेकिन भाई जब पेड़ों के बीच में चलते हैं ना तो हाथ एकदम ठंडे पड़ जाते हैं और आँखों से भी पानी निकलने लगता है। नाक से तो, नाक तो बहती है लोगों की, लेकिन आंखों से भी पानी निकलने लगता है। हाथ तो मेरे बहुत ठंडे हो गए हैं, बाहर जेब से बाहर निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब मत कहना कि सुबह सुबह पूछ रहे हैं, अब मत कहना सुबह सुबह पूछ रहे हैं, अब कुछ नहीं पूछ रहा हूँ इस वक्त। जानने वाले हैं तो थोड़ी बहुत मजाक चलती रहती है, तो वही मजाक है। तो भाई पार्क में मेरे फ्रेंड मिल गए हैं पहले भी आपने इन्हें वीडियो में देखा होगा आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ इनसे। ये जरा अभी ये देखो, ये जरा डॉगी के लिए कुछ लेके आए हैं खाने को, वही डाल रहे हैं। हाँ बताइए अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, मैं राजीव शर्मा मैं यहाँ पे आके सैर करते करते इन बच्चों को थोड़ा सा जो हो सकता है हमसे वो हम इनकी सेवा कर रहे हैं। बच्चों को मतलब ये जो डॉगी वगैरह है यहाँ पे उनसे, और यहाँ पे और भी काफी डॉगीज हैं, बिचेज हैं जिन्होंने बच्चे दे रखे हैं। आइए लोगों से, लोगों से यही अनुरोध है कि कृपया करके उनकी थोड़ी सहायता करें, सर्दियों का समय है, डब्बा कपड़ा वगैरह जो हो सके इनको दे, सुबह आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके। इनका मतलब अपने आसपास के किसी भी डॉगी के लिए है या किसी भी जो बहुत वफादार होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि इन्हें जरा डॉगी प्रेम कुछ ज्यादा है। तो ये सभी के लिए कह रहे हैं, मतलब जो भी है जिनके भी आसपास है, जो भी जिस सर्दी में जो भी किसी जानवर को देखते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। चलिए चलिए ओके भाई। ये देखिए साथियों एक मिसाइल जो यूक्रेन की यहाँ पे आके गिरी है। नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो ये है, ये एक पानी की टंकी है जो मिसाइल की तरह दिख रही है, और आप ये देखिए ये है इसका मुंह, और ये देखिए कितनी बड़ी टंकी है। शायद किसी ने इतनी बड़ी टंकी देखी होगी या नहीं देखी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये पार्क के लिए है, पानी के लिए। ये देखिए बहुत बड़ी टंकी है साथियों, बहुत बड़ी, शायद हो सकता है इसके अंदर 1,00,000 लीटर पानी आता हो। ये देखिए बहुत बड़ी टंकी है जो कि मिसाइल की तरह लग रही है ये जैसे गर्म, ये तैयारी हो रही है इसको इस जगह पर प्लांट करने के लिए, इस गड्ढे के अंदर ये इन्होंने बनाया है, यहाँ पे ये बना रहे हैं और यहाँ पे प्लांट कर देंगे जिससे गर्मियों में पानी की दिक्कत ना रहे। पूरे पार्क में, पूरे फॉरेस्ट के अंदर पानी जो भी इसका एरिया आता है जहाँ तक, वहाँ तक ये कवर कर लेगी ये टंकी। देखिए साथियों मुझे तो लग रहा है आज पार्क में, इस फॉरेस्ट में घूमने वालों की तादाद कुछ ज़्यादा ही है, और फिर भी सर्दी होने के बाद भी इतना कोहरा पड़ने के बाद भी ना मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि लोग ज़्यादा आए हुए हैं आज तो। देखिए लेकिन कोहरा धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है वैसे वैसे कोहरा ख़त्म होता जा रहा है। ये देखिए कुछ लोग पक्षियों के लिए दाना डालते हुए, कुछ लोग आते हैं जो दाना भी डालते हैं यहाँ पर, बहुत लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, बहुत लोग आते हैं जो सुबह सुबह दाना डालते हैं, और छोटे जो पक्षी हैं जानवर हैं जैसे कुत्ते वगैरह, ये इन सब के लिए डाल के जाते हैं, जो मैं आपको पहले भी दिखा रहा था, बात भी करवा रहा था आपसे। कुछ लोग सब जो जिससे हो सकता है वो लेके आता है उनके लिए। तो देखिए
मुझे भी लग रहा है आज काफी ज्यादा लोग आए हुए हैं। चलिए इनसे भी मुलाकात करते हैं। तो भाई ये देखिए, ये इधर फिर ग्रुप खड़ा हुआ है सलीम भाई का जिन्होंने डांस किया था लास्ट टाइम, बहुत वायरल हुआ था। आइए इनसे भी बात करते हैं। सलीम भाई गुड मॉर्निंग। आज डांस वांस नहीं हो रहा, आज तो सुस्त लग रहे हो। डांस भी होगा, पार्क में आने का मतलब ही यही है। अच्छा, कुछ लोगों ने आपका आपका डांस देखा, बहुत खुश हुए थे, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, अपना नाम बताओ क्या है, फिर थोड़ा सा डांस करके दिखाना। मोहम्मद सलीम है। हाँ हाँ, मेरे वॉक करने आते। अच्छा, तो हर आदमी करना चाहिए। हाँ हाँ, वॉक बहुत अच्छी चीज है। हाँ हाँ, वॉक से आदमी बहुत फिट रहता है। अच्छा, और ये जहाँ पर पार्क है इसलिए डांस करने के लिए। देखिए इनसे भी इनके सबका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं आज पूरे ग्रुप का। क्या नाम है आपका? सरताज सिंह। सरताज सिंह, अन्ना। अन्ना, अन्ना। हाँ। और कहाँ से आप? हम ये लक्ष्मीपुरी से। राजू। राजू जी। टीनू। टीनू तुगलकाबाद। तो देखिए साथियों, ये भी ग्रुप है, मस्त ग्रुप है। सभी आपने देखा होगा इनको मेरे और दूसरे ब्लॉग में भी, इन सभी को। तो सुबह सुबह आ जाते हैं और सभी मस्त डांस करते हैं। कुछ कुछ कहना चाहते हो? कहना कहते हैं पार्क में, हम तो कहते हैं हर आदमी को आना चाहिए, सुबह सुबह का टाइम होता है। अच्छा, रहेगा आदमी और खुश रहेगा, फिट रहेगी, खुश भी रहेगा, आराम से खेलना चाहिए भाई। सुबह सुबह का पार्क है, घर पे तो पड़े ही रहोगे, उससे बढ़िया पार्क आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ये देखिए उम्र ही हो गई है कुछ, लेकिन बचपना अभी भी है। छीन रहे, ये देख, ये देखिए बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, बच्चों की तरह छीन रहे हैं। 1-0। हा हा, 1-0 हो गया। ओके, देखिए साथियों, खिलाड़ी नहीं है लेकिन अपने आप को फिट रखने के लिए मस्त रहते हैं और सुबह सुबह आके वॉक करते हैं। तो यही बताना चाहता हूं आपको भी कि आप भी आइए और मस्त रहिए और खेल को अपने जीवन में शामिल कीजिए। हम लोग यहाँ पर, अच्छा, हम लोग बहुत खुशी रहता है यहाँ पर, अपना बॉडी हमेशा फिट रखते हैं। अच्छा, सुबह 6 बजे आ जाते हैं हम। हाँ हाँ, 8-9 बजे तक यहाँ से जाते हैं। हाँ हाँ, हमको बड़ा खुशी मिलता है जब आकर के सब लोगों से यहाँ शुद्ध वायु मिल जाती है, Okay. ऑक्सीजन मिल जाता है, खेलते हैं। हाँ हाँ, फिट रहते हैं हम एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया। चलिए साथियों, थोड़ी सी वॉक हो गई है, अब थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज करता हूँ यहाँ पे और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी शुरू हो गए हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये तो पेड़ को ही लगता है हिला के छोड़ेंगे आज। तो साथियों अपनी तो एक्सरसाइज हो गई है, बाकी अभी लोग कर रहे हैं, इतनी बहुत है हमारे लिए। तो साथियों अभी अभी मुझे कुछ याद आया है, एक्चुअली चाबी मेरे पास है, ये आप चाबी देख रहे हैं, ये मेरे पास है और वाइफ वेट कर रही होगी घर पे, तो मुझे जल्दी जाना है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं आज के ब्लॉग का, और कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग से नई जानकारियों के साथ। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा ना, कसम से उसे दिल से थैंक यू है, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।